संभाग से भी कुछ वृत्त संघ के भी लोग हैं, अन्य वृत्त लोग हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं। पहले बताइए क्या नाम है? मेरा नाम राजू सोढ़ी है, जिला सुकमा से हूँ। मैं वृत्त में कार्यरत हूँ, जो है पोटा केबिन के नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी समग्र जो 500 बच्चे रहते हैं, 12 घंटे से अधिक जो 24 घंटा सेवा देते हैं और हमें 7 रुपया दिया जाता है, जो कि वो हमारे परिवार को भी पालन पोषण भी नहीं हो पाती है। इतने कम मानदेय में हम लोग अपने परिवार को कैसे पालन पोषण कर सकते हैं और हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी करने में हमको मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि भी इस अनियमित कर्मचारी से नियमितकरण हम आश्वासन दे। हमारे कोई कर्मचारी आइए बात करते हैं। पहले परिचय बताइए क्या नाम है? निशा। समस्या सर, हम लोग 10 साल से कार्यरत हैं। हम लोग दूर दूर अंदर अंदर गांव जाके अपना बच्चे लोगों को लेके आते हैं, उनको सुबह शाम ब्रेक देख कर तो अपना जिम्मेदारी वो सब काम कर लेते हैं। सरकार से हम यही चाहते हैं कि इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको भी नियमित किया जाए। समस्या लेके स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास गए थे, क्या बोलते? सर एक दो बार नहीं सर, 20-25 बार गए सर। आश्वासन देते हैं आज कल के सर सद्दाम खान सर। क्या बोलते जनप्रतिनिधि हो जाएगा सर? कलेक्टर के पास बहुत बार जाके विज्ञापन दिए सर अपन। मेरे को 15 साल हो गया सर। 7,000 है सर, 800 रुपया से हम लोग स्टार्ट किए हैं सर। आज 7 बिल्कुल नहीं होता है सर। अभी आप ही के ऊपर भरोसा सर, आप ये वीडियो काका तक पहुंचाए और काका है तो भरोसा है बिल्कुल उनको। 10 वर्षों से आपको काम कर रहे हैं जी। विधानसभा चुनाव भी काफी समय तक अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा सर। कितने आपको पूरा टोटल अगर प्रदेश में बात करें तो जो अनियमित है? चारों जिला में है सर, 700 लगभग 700 से 800 लोग सर। सतीश कुमार चौहान बीजापुर जी। सर मैं 2009 से कर रहा हूँ सर, लगभग 14-14.5 वर्ष हो गया सर। मानदेय सर 800 रुपया, 7,000 जी नहीं हो पाता है सर। 7,000 में कुछ भी नहीं हो पाता है सर, ना हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना अपने घर परिवार को चला सकते हैं, ना कुछ नहीं हो सकता है सर। इसीलिए हम सरकार से बार बार गुजारिश कर रहे हैं ताकि हमको जो ड्यूटी दिया गया है 24 घंटा हम अपने स्कूल में देख रेख करते हैं सर, अपने माँ बाप अपने भाई बहन को छोड़ के हम उन बच्चों को लाते हैं सर, जहाँ प्रशासन नहीं पहुँच पाता है वहाँ से हम उन बच्चों को ला के मुख्य धारा से जोड़ते हैं सर, शिक्षा से जोड़ते हैं और रात दिन देख रेख करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं सर, सब चीज़ हम लोग करते हैं। उसके बाद भी 7,000 देता है और 7,000 में हम लोग का पालन पोषण कुछ नहीं होता है सर। सर विभाग में कलेक्टर सांसद विधायक महोदय हर जनप्रतिनिधि को सर आवेदन निवेदन हर किसी को किए हैं सर, लेकिन बस आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिला है सर। जी जी सर, वो चुनाव आएगा तो बताएंगे सर, अगर हमको इस चुनाव से पहले कुछ नहीं किया जाएगा सर, चुनाव के बाद पता। वो भी वैसे आश्वासन देते पूरा निकाल दिया सर, कुछ नहीं कर पाया हम लोग को, नहीं हुआ सर, कोई चेक्शन नहीं है। मांग अगर पूरी नहीं होती है तो सर हम लोग बस वही सोचेंगे कि हमारी मांग को पूर्ण करने के लायक कौन सी पार्टी है, बस हम अपने हम तो सार्वजनिक। बिल्कुल बिल्कुल सर,